हैपनियर। बच्चों एक वर्ड, एक इकलौता वर्ड जो एसोसिएट किया गया इस साल से, इस ब्यूटीफुल साल से, वियर्ड। ये क्यों हो रहा है 2020 वियर्ड, है ना, ये क्यों हो रहा है 2021। जी हाँ, ओले वी नहीं बैलगाड़ी कती, जो लास्ट गेम यूनाइटेड हारी थी एक नवंबर अगेंस्ट आर्सेनल, तुमको याद हो तो, जब एलेनियर पार्टे बॉस कर रहे थे, तुमको याद है, दैट वाज द लास्ट गेम यूनाइटेड जो हारी थी। उसके बाद से 10 गेम खेल चुके, 10 गेम लीग की, 8 जीत चुके, 2 ड्रॉ कर चुके, ठीक है। फॉर्मेशंस नहीं देखी कहीं ना कहीं, बट क्यों 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 ऐसा क्या कर दिया ओले गुना सॉक्स जा रहे हैं, क्योंकि हमने डिस्कस की थी एक लंबी वीडियो बना के लीड्स वाले की, ओके ओले को क्रेडिट देना चाहिए, 2 साल हो चुके हैं, थोड़ी टट्टे चाटे थे बेसिकली, पर अब तो मामला हाथ से बाहर निकल रहा है ना। अब ये क्या हो रहा है, ये तो टाइटल कैंडिडेट भाई, तुम इससे बात करो, आई थिंक कोई ब्लिप नहीं है, दिस इज नॉट समथिंग की अगर तुम जनवरी तक यहाँ तक पहुंचते हो, यानी कि कुछ तुम करने वाले हो, यानी कि टॉप 4 तो सिक्योर हो जाना चाहिए चाहिए, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली वी नो कि काफी वियर्ड सीजन है, कभी एक एक गेम के पास कुछ चेंज हो रहा है, एक बार चेल्सी बहुत टॉप पे थी, एक बार तुमको पता है, बट स्टिल एस्टन विला काफी इंटरेस्टिंग टीम है, एंड एस्टन विला अलोंग साइड लिवरपूल, मैन सिटी एक ऐसी टीम है जो सबसे ज्यादा टचेस लेती है ऑपोजिशन हाफ में, एक ऑफेंसिव टीम है। पता है इंटरेस्टिंग चीज क्या, अगर तुम मिडफील्ड 2 को देखो और फ्रंट 3 जो भी, ठीक है, एवरेज एज है 25, इनमें से हर कोई 25 का मोस्टली, आई थिंक एक दो, विच इज इंटरेस्टिंग। तो जवानी दिख रही है मुझे, कूट कूट के जवानी दिख रही है, एक अच्छी मेच्योरिटी दिख रही है, और फेस में दिख रहा है कि ठीक है हम इफेक्टिव होंगे, पोजिशन रखती है, ठीक है। वी नो कि ग्रिलिश को काफी नेमार बोलते हैं, इंग्लिश नेमार, बट स्टिल ग्रिलिश के पास बॉल आती है, वक्त थम जाता है, एंड ही पिक्स हिज पासेस। तो हाउ एक ऐसी टीम एस्टन विला जिसने थर्ड लीस्ट गोल कंसीड किए, 16, ओनली 16 गोल्स कंसीडेड प्रीमियर लीग में अभी तक, कैसे यूनाइटेड जीत रही है, एंड जीत रही है डिजर्विंगली, सो प्लीज कैसे क्यों। तो एक पार्ट जो मैंने नोटिस किया आफ्टर आर्सेनल डिफीट जो 1 नवंबर को हुई थी, कि एक भी फॉर्मेशन या फिर एक भी लाइनअप, पूरा प्रॉपर 11 रिपीट नहीं हुआ। ओके साउंड्स, ये एक मैड्रिड फैन बोल रहा है, एक ऐसा मैड्रिड फैन जो जिडान ऑब्वियसली इस 4-3-3 को स्ट्रेच करता आया, 4-5 गेम कंसेक्यूटिव यही फॉर्मेशन है, यही प्लेयर्स हैं, तो क्यों लिवरपूल भी मोस्टली 4-3-3 खेलते, वी नो द बेस्ट 11, इज इट इंपॉर्टेंट कि एक टीम के पास बेस्ट 11 फिक्स्ड हो बिल्कुल प्रॉपर, और वो गेम इन चल रहा है, या फिर थोड़ी वेरिएबिलिटी। एंड आफ्टर इन 10 गेम्स के बाद आई कैन से प्राउडली कि यूनाइटेड का कोई, अगर सोचो ये यूनाइटेड का बेस्ट 11 है, ठीक है, ये बेस्ट 11 है यूनाइटेड का, लेट्स से खेल रहा है अगेंस्ट बार्सिलोना, एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, अब ये खेल रहा है अगेंस्ट एबार, सॉरी। तो अभी तक हमने एक चीज पढ़ी कि यूनाइटेड ड्यूअल है, यूनाइटेड की ड्यूअलिटी काफी है, एक चीज में मैकफ्रेड, एक गेम में मार्टिच और पोगबा, ठीक है, अगर किसी को ब्रेक डाउन करना, मार्टिच पोगबा डिफेंड कर तुमको, ठीक है, हम डिस्कस कर चुके हैं, बट आई थिंक यही यूनाइटेड का फोटे है, दे कांट हैव अ लाइनअप जो हर दिन खेलेगा, ऑब्वियसली ये कॉन्ट्रडिक्टरी है जो लॉकडाउन के बाद हुआ था, दे हैड अ सेम लाइनअप और मोस्टली वो बिल्कुल चार्ज पे गए थे, बट आई थिंक नाउ दे आर कंफर्टेबल विद दोज माइनर चेंजेस, जैसे कि फॉर एग्जांपल शुरुआत में था अगेंस्ट वेस्ट ब्रॉम एंड एवर्टन माटा खेल रहा था राइट में, याद है, फिर और टेक्निकलिटी ब्रूनो माटा, एक टाइम डैन जेम्स अगेंस्ट लीड्स, कवानी अगेंस्ट साउथहैम्पटन, एंड देन दैट अभी इस गेम में डायमंड कहीं ना कहीं विदाउट द बॉल विद द बॉल 4-2-3-1, ठीक है। ओले गुनार सॉल्जर उसकी टीम प्लीज, ठीक है, मुझे पता है काफी लोग खुश नहीं होते ओले गुनार सॉल्जर को पूरा क्रेडिट देने से, दे हैव सॉर्ट ऑफ फिगर्ड इट आउट, एंड इट्स नॉट अ ब्लिप, माकेचूत, लेट्स एनालाइज दिस गेम। तो पता सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, मैं गेम देख रहा था हेडफोन लगा के, अब हेडफोन्स लगा के ऑब्वियसली मैं देख रहा हूँ गेम स्टार्ट हो रही है, किक ऑफ हो रहा है, ठीक है, मैं एक वर्ड सुनता हूँ चीख के, मेरे कान में मेरा पर्दा फाड़ता है, मैं एक्ट नहीं कर, पर्दा फाड़ता मेरा, लेट्स फकिंग गो, मैकटोमिनी चिल्लाता है लेट्स फकिंग गो, मुझे लगता है मुझे इंप्रेस करता है, मुझे पता है बहुत चूतिया बनती है, बट मुझे इंप्रेस करता है, एंड दिस इज व्हाट, मतलब ये मैकटोमिनी इस टीम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, एंड वो एक स्कॉटिश टट्टे हैं जो इन माय ओपिनियन, आई नो कि अगेन एक गेम में मैकटोमिनी और फ्रेड एक गेम में वो, बट आई थिंक ही द वे ही इज प्लेइंग एंड द वे ही ऑल्सो कैन मेक इन बिहाइंड रन एंड बी गुड विद द बॉल, जैसे कि लीड्स वाली गेम, ही शुड बी मे बी अ प्रॉपर स्टार्टर नो मैटर वट, कोई भी गेम। बट अगेन कमिंग बैक टू दिस फॉर्मेशन, ठीक है, 4-4-2 डायमंड कहने के मतलब कह रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, बट विदाउट विद द बॉल पोगबा आगे जा रहा है, कुछ चिंता वाली बात नहीं, पोगबा इन पोजिशन में, पोगबा बॉक्स में अराइव कर रहा है, बट क्यों ओले चेंज कर रहा है, क्यों ग्रीनवुड नहीं, क्यों सिंपल 4-2 थी, क्यों डैन जेम्स नहीं, क्यों ऐसा क्या, वाई ऑब्वियसली, क्योंकि हम दो डिवाइड करते हैं ना, या तो मैकटोमिनी फ्रेड या फिर वो, ठीक है, बट इस गेम में तीनों थे, पोगबा भी था वो भी, ओके, तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं डायमंड सोचता हूँ यूनाइटेड के लिए, आई थिंक ऑफ द लाइपजिग गेम,
जिसमें वो प्रॉपर एक प्रॉपर काउंटर प्रेसिंग लाइनअप है, फॉर्मेशन है फॉर यूनाइटेड अगेंस्ट लाइपसिग, जो मोस्ट गोल मारे थे वो बॉल जीत के मारे थे ट्रांजिशन में, थोड़ा ऐसा सीन था। एंड ऑब्वियसली विदाउट द बॉल एक डायमंड बिल्कुल पैक हो जाता है ना, तो सेंटर में स्पेस मिलता नहीं है, स्पेशली अगर ग्रीलिश बंदा हो, ये सब तुमको पता ठीक है। तो आई कैन थिंक ओके थोड़ा मे बी थोड़ा रिएक्टिव है ना, थोड़ा ओले बोल रहा कि ठीक है एस्टन विला है फिफ्थ पे, तो हम इससे बात करते हैं। एंड जीत रही है, अभी चेल्सी के साथ ड्रॉ किया तो ठीक है, लेट्स सी। एंड वन ऑफ द मेन बेनिफिट्स ऑफ इस फॉर्मेशन का कि तुम्हारे पास हमेशा एक्स्ट्रा मिडफील्डर होता है। जी हाँ, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि विद द बॉल 4-2-3-1 कहीं ना कहीं ओपन हो बिल्कुल, जैसे कि वो तुमको बता पोगबा अटैक होगा। आप ये देखो एवरेज पोजिशन मैप आराम से, शॉ सब सेकेंड मोस्ट क्रॉसेस थे, शॉ तुमको पता कितना फाड़ है, मैं लिटरली उसके तारीफों के पुल बांध दूँ, बट तुमको पता है हम लीड्स गेम में काफी उसके चाट चुके थे, बट स्टिल जो कहीं ना कहीं कुछ एक कुछ इंटरेस्टिंग दिखा रहे थे। फॉर एग्जाम्पल वैन बिसाका हमेशा कुत्ते की तरह चार्ज नहीं कर रहा था, वैन बिसाका थोड़ा पीछे मतलब थोड़ा रिजर्व दिख रहा था मुझे कहीं ना कहीं। एंड यूनाइटेड की लिटरली हाई ऑफसाइड ऑफेंसिव लाइन नहीं थी मेरे हिसाब से, मतलब अगर तुमको एफए के कराबाग कप वाली गेम याद हो एवर्टन वाली, उसमें यूनाइटेड लिटरली शुरुआत के 20 में बिल्कुल हाई ऑफसाइड ट्रैप था, जो यूनाइटेड करते हैं काफी ना काफी। ऑब्वियसली अगर तुम्हारे पास बाई हो तो तुम क्यों नहीं चौड़ोगे, तुम्हारे पास स्पेस है। बट इस गेम में देवर रिजर्व्ड एंड द रिस्पेक्टेड विला इन माई ओपिनियन, क्योंकि ग्रिलिश था तो ऑब्वियसली यू कैन सी अगेन एवरेज पोजिशन मैप ठीक है, मैं बिल्कुल रटा रटा चीज़ें नहीं बोल रहा, बट आई थिंक ये चीज़ मैंने लिटरी नोटिस करी थी। एंड जब से गेम स्टार्ट हुई आई एम नॉट जोकिंग, मैंने लिटरी मैं नंबर्स को छोड़ा माकी चूत, मैं देख भी रहा कहीं पे कि फ्रेंड ने कितने नंबर्स निकाले, मैंने अपनी नंगी आंखों से 6-7 पासेस तो डायरेक्ट ब्रूनो को या फिर वो इन बिहाइंड बॉल्स फ्रेड को खुद देती हुई देखी मैंने। सेम होल्डिंग एक डिफेंसिव होल्डिंग मिडफील्डर सबसे लीस्ट प्रोफाइल इस डायमंड में, अगर उसकी ही इज एबल टू गिव दोज डायरेक्ट पासिस पैर पे सक्सेसफुल मीन्स अलॉट, तुमको ऑपोजिशन को ब्रेक डाउन करना है मीन्स अलॉट। अगर ब्रूनो तुमको पता ब्रूनो रन निकालेगा उसको पिक कर रहा है मीन्स अलॉट। फ्रेड एक और ऐसा बंदा जो ओले ने डेवलप किया है। एंड एक और इंटरेस्टिंग चीज अबाउट एस्टन विला, उनका देखो ये बैक फोर ठीक है आसान नहीं है क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा डिफेंडर लाते नहीं है, बिल्कुल काफी अपनी चीज़ों में बिलीव करते हैं। डीन स्मिथ ने ठीक है काफी कॉन्फिडेंस इनबिल्ट कर रखा है इस टीम में, तो अगर रैशफोर्ड ड्रॉप करेगा यानी कि उसके मार्कर को लाएगा ऑब्वियसली, तो अगर कुछ अच्छा कॉम्बिनेशन प्ले खेल के अगर वैन बिसाका अगर निकलेगा दे कैन डू इट, क्योंकि दे डोंट हैव एनी एक्स्ट्रा डिफेंडर वहाँ पे, एंड दैट्स हाउ दे गॉट दैट गोल। एंड इस सिचुएशन को देखो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर मैं मार्शियल हूँ, अगर मैं अटैक कर रहा हूँ बॉक्स को ठीक है, मैं देख रहा हूँ उसके पास बॉल है, मेरे सामने तीन डिफेंडर्स, तो मैं क्या करूँ, मैं कियोस में घुस जाऊँ या फिर कहीं जगह स्पेस बना के स्मार्ट बनूँ, बट वो कियोस में घुसता है। एंड इन माई ओपिनियन दिस इज अ लकी गोल। हाँ सही में ऑब्वियसली अच्छी डिलीवरी ठीक है, बट 3v1 न्यूमेरिकली तुम देयर इज नो चांस, बट स्टिल ही गेट्स द बॉल अटैक्स, तुमको पता है इट वर्कड आउट क्योंकि वहां पे साइड में ब्रूनो ही बॉल हाथ खड़ा करके मांग रहा था, तो ठीक ऑप्शंस। एक और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो मुझे काफी बदर कर रहा है, जी हाँ वेन एवर आई टॉक अबाउट दीज टू डू आई थिंक अबाउट दिस प्लेयर और दिस प्लेयर और दिस प्लेयर, डू आई पुट देम इन दोनों को उसी लेवल पे, क्योंकि अभी भी मेरे दिमाग में ये दिल में आता कि हाँ यूनाइटेड ठीक है अभी भी यंग टीम है, अभी भी रैशफोर्ड और मार्शियल यंग ही प्लेयर है, मतलब अभी वर्किंग इतने एस्टैब्लिश नहीं है, प्रॉपर प्रीमियर लीग टॉप क्लास प्लेयर्स नहीं है, हैं डेफिनेटली हैं। रैशफोर्ड चार से पाँच बार कॉन्फिडेंस रखता है कि वो खुद बोलेगी घुसेगा बॉक्स के अंदर और शॉर्ट अटेम्प्ट करेगा, सेल्फिश है डिजर्व करता है, वो बच्चे को खाना खिलाता है वो डिजर्व करता है। एंड आई थिंक जितनी गेम में देखे जा रहे हो मार्शियल अपनी गेम को बैक टू गोल रख के और मास्टर करे जा रहे हैं। अगेन हमने कितनी बार देखा कि पोगबा को वहाँ पे टॉप वहाँ पे बॉल मिली ऑफेंसिव फेज में, देवर फॉर्मिंग कॉम्बिनेशन मार्शियल पोगबा, वी सॉ दैट अगेंस्ट PSG, इट वर्कड आउट पेरिस में तुमको पता हो तो, जब रैशफोर्ड गोल आया था एंड द सेम हैपन्ड, चीज़ें दिख रही थी लक्षण दिख रहे थे। गेम मिड में थोड़ी एंड टू एंड हो गई, काफ़ी एंड टू एंड हो गई थी, एंड दहेया एमी दोनों ने अच्छे सेव्स करे थे तुमको पता है, बट जी हाँ माकीचूत उपामेकानो की लिटरली माकीचूत कौन, और मुझे पता नहीं कौन आती है, जो भी डिफेंडर लिंक था फिर चाहती थी यूनाइटेड, काफी लोग बोलते हैं ही इज मेड ऑफ ग्लास, ये कभी भी इंजर्ड हो सकता है, बट बाई लोग पीट रहे थे उसको उसकी कुटाई हुई थी गेम के बाद कि हाँ भाई तुमने एक प्रॉपर तुमने गेम सक्सेसफुल इंपॉर्टेंट होके बिना बकचोदी करके अपने प्रॉपर पोटेंशियल बिल्वअप करके गेम खत्म करी,
विच इज वेरी रेयर, हमने काफी टाइम से नहीं देखा, एंड भाई इज अ टॉप क्लास डिफेंडर इफ ही इज फिट, इफ ही इज इफ काफी इफ्स आते हैं, बट हाँ वो है, वॉज लुकिंग अनबीटेबल, 7 क्लियरेंसेज और भी कुछ स्टैट्स मैं सामने फेंक सकता हूँ, बट अगेन दिस इज द फाउंडेशन, फाउंडेशन इंपॉर्टेंट है ऑफ यूनाइटेड, जिसमें मैग्वायर, मैग्वायर वो मर जाएगा पक्का मर जाएगा, वो कितनी अब कितनी गेम खेलेगा, विच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि ओले को चीजें मैनेज भी करनी होंगी, बट हु केयर्स देयर सेकंड लेवल ऑन पॉइंट्स विद लिवरपूल, लिवरपूल जनवरी में तुम इससे बात करते हैं, जब तक यानी जब तक तुम जनवरी तक यहाँ तक पहुँच जाते हो, यानी कि तुम ज़्यादा दूर जाने नहीं वाले इससे, विच इज इंटरेस्टिंग, विच इज अ गुड न्यूज, बट ज़्यादा पॉइंट्स का डिफरेंस भी नहीं है, बट स्टिल दिस इज प्रीमियर लीग, एक एक गेम में चीज़ें बदलती हैं, कभी चाटो कभी लतियाओ कुत्ते की तरह, बट वी आर वॉचिंग इट, तुमको पता है, एंड थोड़ा अजीब लगता है बोलने में, बट लुक्स लाइक कि ओले हैज़ फाउंड द रेसिपी. हाँ हाँ